दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दिलाई शपथ। हरियाणा में बीजेपी का बड़ा ओबीसी चेहरा है नायब सिंह सैनी, इस बार कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से जीता चुनाव। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं सीएम सैनी। इसी साल मार्च में पहली बार मुख्यमंत्री की संभाली थी कुर्सी। सीएम सैनी के साथ 13 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अनिल विज कृष्णपाल के अलावा राव नरबीर बने मंत्री। हरियाणा विधानसभा में सबसे सीनियर नेता है अनिल विज। इस बार के चुनाव में अंबाला कैंट से जीते हैं, पंजाबी समुदाय से आते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के पहुंचते ही लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई राज्यों के राज्यपाल शामिल हुए। नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, शपथ ग्रहण से पहले आशीर्वाद दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर सुखा हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार। मुंबई पुलिस और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में हुई गिरफ्तारी। पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी में शामिल था सुखा। फार्म हाउस पर हमले की साजिश का भी था मुख्य आरोपी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस की जांच तेज। सूत्रों के मुताबिक आरोपी शुभम लोनकर के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस किया जारी। शुभम ने ही सोशल मीडिया पर ली हत्या की जिम्मेदारी। बहराइच हिंसा मामले में नया वीडियो आया सामने। रामगोपाल मिश्रा का गोली मारने का वीडियो आया सामने। वीडियो में गोली लगने के बाद गिरते दिख रहे हैं रामगोपाल मिश्रा। अब्दुल हमीद के घर की छत पर रामगोपाल मिश्रा को मारी गई थी गोली। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ था बवाल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 3 दिन बाद मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल। दंगे के चलते प्रशासन ने इंटरनेट पर लगाई थी रोक। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या मामले में पहली गिरफ्तारी। नामजद आरोपी मोहम्मद दानिश को पुलिस ने कल शाम 4 बजे राजी चौराहे से गिरफ्तार किया। बहराइच दंगा मामले में अब तक 11 FIR दर्ज की गई। एक केस रामगोपाल मिश्रा के परिवार ने दर्ज करवाया, 6 मामले दंगाइयों के खिलाफ दर्ज, जबकि 3 केस मुस्लिम समुदाय की तरफ से किए गए। बहराइच दंगा मामले में पुलिस ने अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया। रामगोपाल मिश्रा हत्या मामले में मुख्य आरोपी फिलहाल फरार। आदर्श आचार संहिता मामले में चुनाव आयोग की जांच के घेरे में महाराष्ट्र सरकार। चुनाव के ऐलान के बाद राज्य सरकार ने करीब 200 सरकारी प्रस्ताव नियुक्तियां और निविदाएं जारी की थी। विधानसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई। आज शाम 7 बजे मातोश्री में शिवसेना यूपीटी विधायकों और प्रमुख नेताओं के साथ बैठक। चर्चित IRS अधिकारी समीर वांखेड़े धारावी से लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही शिवसेना शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार करने के बाद से लाइमलाइट में आए थे वांखेड़े। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर भी रह चुके हैं वांखेड़े। दिल्ली में विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्न दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में पीएम मोदी भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने बौद्ध भिक्षुओं को सम्मानित भी किया। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्न दिवस के साथ साथ पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने का उत्सव कार्यक्रम। अभिधम्न उत्सव कार्यक्रम में पीएम ने कहा, पाली भाषा को जीवित रखना, भगवान बुद्ध के शब्दों को जीवित रखना हम सभी की जिम्मेदारी। हमारी सरकार ने इस जिम्मेदारी को बहुत ही विनम्रता से निभाया है। मारिटानिया दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नौआकोट में राष्ट्रपति मोहम्मद औलाद गजौनी से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा। बिहार के सिवान में जहरीली शराब से 9 लोगों की मौत के मामले में कार्रवाई। एसपी ने भगवानपुर के थाना अध्यक्ष और 2 चौकीदारों को सस्पेंड किया। 9 लोगों के मामले में गिरफ्तारी। सिवान सदर अस्पताल में संदिग्ध जहरीली शराब पीने वाले 25 लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 4 लोगों को पटना के PMCH किया गया रेफर। बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हुई। 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। एसपी ने जांच के लिए SIT का गठन किया। भोपाल में तकनीकी शिक्षा विभाग के जूनियर ऑडिटर रमेश हिंगोरानी के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 6 अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर जांच में जुटी। लोकायुक्त DSP संजय शुक्ला ने कहा, छापेमारी में 1 हथियार की भी बरामदगी हुई। स्थानीय पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। चेन्नई में पूर्विका मोबाइल्स कंपनी के संस्थापक और CEO उर्वराज नटराजन पर बड़ी कार्रवाई। नटराजन के आय के ठिकानों पर, घर पर आयकर विभाग ने मारा छापा।